आपने हर साल देखा होगा कुछ ना कुछ कैलेंडर आते हैं लड़कों के, लड़कियों के, लड़कियों के बीच पे लड़कों के जिम खानों में बॉडीज दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, एग्जीबिशन दिखा रहे हैं। बट जब ये कैलेंडर मैंने शार्वी चतुर्वेदी का देखा तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि इसके अंदर बहुत एक्सप्रेशन है। हर एक पेज में एक नया हीरो है, नया एक्टर है, और उस नए एक्टर की एक कहानी है। वो हर जो एक पेज अगर आप ध्यान से देखिए तो उसके अंदर एक स्टोरी है। तो इसलिए मैं इतना इम्प्रेस हुआ और मैंने उसे कहा कि तुमको इस डेफिनेटली मीडिया को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और इसको प्रोफेशन तुम्हें लेना चाहिए। और जबकि एक लड़की फोटोग्राफर बने तो ये कितनी खूबसूरत बात है। हम देखते हैं कि मैं बहुत खुश होता हूँ जब लड़की को मैं देखता हूँ पायलट बनी हुई है, या वो टैक्सी चला रही है, या वो चीज़ें कर रही हैं जो कि नॉर्मली लड़कियाँ नहीं करती हैं। अभी मुझे खुशी है कि आजकल लड़कियाँ भी फोटोग्राफर बन गई हैं और सामने आ रही हैं और ब्रेव फोटोग्राफर। ऐसी शार्वी चतुर्वेदी बहुत जो हैं क्रिएटिव लड़की हैं, मेरे साथ काम भी किया है इन्होंने, डब्बू रत्नानी के साथ भी काम किया है, और मुझे लगता है कि इनकी सफलता ज़्यादा दूर नहीं है। हमली अगर वो नए लोग हैं, मैं भी एक नई फोटोग्राफर हूँ जो अपना यू नो आई एम स्टिल अपना काम मैं बिल्ड कर रही हूँ, आगे बढ़ी हूँ। सिमिलरली ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं एंड स्टिल उन्होंने अपनी जगह बनाई है एंड लोग इनको पहचानते भी है एंड बहुत सारी पिक्चर है जो हम पसंद भी करते हैं एंड वर्क ऑफ आर्ट। एक्चुअली जब मैंने ये शुरू किया था तो एज अ वर्क ऑफ आर्ट ही शुरू किया था एंड इन लेटर स्टेजेस आई फेल्ट लाइक समथिंग लाइक दिस जो है लोगों को देखना चाहिए एंड क्योंकि हमारे देश में दिस माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस बट हम आर्ट को इतना महत्व नहीं देते अपनी लाइफ में एंड आई थिंक ये सब नए जनरेशन के लिए एक मैसेज है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ट्राई इट, एक्सपेरिमेंट, इनोवेट एंड आप किसी ना किसी तरीके से रास्ता ढूंढ लेंगे टू स्प्रेड इट आउट, टेक इट आउट एंड लोग जैसे उसको देखें एंड अप्रिशिएट करें। तो दैट्स मेरा ये पहला स्टेप है टू सेलिब्रेट आर्ट, टू सेलिब्रेट लाइफ एंड टू सेलिब्रेट आर्टिस्ट लाइक दीज़।